दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था? एक इंडियन ने। 1970 में चंपकलाल चोकसी, जो एशियन पेंट्स के एक फाउंडर है, उन्होंने 8 करोड़ रुपए में ये सुपर कंप्यूटर खरीदा था और इंडिया के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को बाजू में कर दिया, जो 20% मार्जिन लेते थे पिछले 50 सालों से। उन्होंने क्या किया, एशियन पेंट्स ने एक डेटा निकाला पूरे इंडिया में, कलर, साइज, क्वांटिटी, ये सबसे ज्यादा पेंट्स कौन से रीजन में कहां से खरीदे जाते, और अब हर दुकानदार के पास हर 3 घंटे में एक ट्रक आता है एशियन पेंट्स का नया स्टॉक लेके, दिन में 4 बार। डीलर को पता भी नहीं चलता उनका पेंट कब सोल्ड होता है, हर 3 घंटे में उनका पेंट सोल्ड आउट हो जाता है। अगर आप कोई भी पेंट डीलर को पूछोगे कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा सेल होता है तो कोई नहीं बता सकेगा, लेकिन एशियन पेंट्स 97% की एक्यूरेसी आपको बता पाएगा। इसी तरह से एशियन पेंट्स अपनी कंपनी हर 3 साल में दुगनी होती जा रही है और 54 ईयर से वो मार्केट लीडर बन के बैठी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना,